लिथियम देखो कहां बीच में आ रहा है, ठीक। तो ये बहुत खतरनाक सा एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है, और बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो कैसे याद रखोगे, देखो इसमें आपको पहला इस तरीके से याद रखना है, एक तो सेकंड पीरियड का, एक थर्ड पीरियड का, दोनों कनेक्टेड ही है। तो सेकंड पीरियड का कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना है, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, ऐसे याद रखना, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि बेरिलियम, नियोन और नाइट्रोजन, इनकी नियरली जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि बेरिलियम फुली फिल्ड है, नियोन फुली फिल्ड है और नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसलिए इसमें ऐसा होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, इस तरीके से याद कर लोगे। और इनका ध्यान रखना किसका, बेरिलियम, नियोन और नाइट्रोजन, इनका अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नियरली जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप इनमें से ही ऑप्शन में देखोगे, ठीक है। तो इनकी नियरली जीरो या मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना, नियरली जीरो लिखो या मिनिमम लिखो, बात बराबर ही है। तो ये हो गया सेकंड पीरियड का। थर्ड पीरियड का देखना, इसका क्या एक्सेप्शन होता है, पहले मैं लिख देता हूं फिर बता दूंगा। इसका ऐसा है, इसको कैसे याद रखोगे, देखो मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, इस तरीके से, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, ऐसे याद रखोगे। और आप जरा ध्यान दो, यहां पर बेरिलियम था, नियॉन था, यहां मैग्नीशियम है आर्गन, लेकिन नाइट्रोजन के नीचे वाला फास्फोरस यहां आके आ गया, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, ये थर्ड पीरियड में आ गया, और थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वालों से ज्यादा होती है, क्योंकि थर्ड पीरियड में एक 3D आ जाता है एक्स्ट्रा, और वैकेंट 3D होता है उसमें, थर्ड पीरियड में इनमें फास्फोरस वगैरह में, तो वैकेंट 3D की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह मिली ना आपको, अवेलेबल स्पेस मिली आपको, ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। और नियरली जीरो किसकी बोलोगे, मैग्नीशियम और ARP क्या बोलोगे यहां पे, नियरली जीरो। अब फास्फोरस की नियरली जीरो नहीं बोल देना, क्यों, फास्फोरस में वैकेंट 3D आ गए, है ना, इस वजह से। तो ये सेकंड पीरियड का एक्सेप्शन है और ये थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एक्सेप्शन, अगर मैं इन दोनों को ही कंपेयर कराऊं तो मैं ऐसा लिखूंगा, थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसा होता है इसमें, तो ये ध्यान रखना आप। चौथा एक्सेप्शन इसमें हैलोजन्स में, हैलोजन्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल आपको याद करना ही है। हैलोजन्स में ऑर्डर होता है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये ऑर्डर होता है इसमें। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा फ्लोरीन इसलिए है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, कौन से वाले, 3D वाले, ऐसा होता है इसमें। एक और एक्सेप्शन है फिफ्थ नंबर पे, ऑक्सीजन फैमिली में भी एक्सेप्शन होता है, और इसमें क्या होता है, सल्फर, सेलेनियम, TE, PO और ऑक्सीजन एकदम लास्ट में आ जाता है। और ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन अपने ही दूसरे एटम से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय, तो ऐसा बोलते हैं ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, तो इसकी बहुत ही कम होती है, और एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी चेक किया गया तो ऐसा ही आया। सिक्स नंबर पे एक पॉइंट लिख लेते हैं नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस के लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच इजी इज पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसमें, नोबल गैसेस में, क्यों, इसमें एक एक्स्ट्रा सेल ऐड करते हो आप, क्योंकि नोबल गैस में तो वो सेल खत्म हो जाता है, अब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इसका मतलब एक्स्ट्रा सेल ऐड करना है जिसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, इतने एक्सेप्शन इसके नोट कर लो।